को लेकर के बार बार ज्ञापन देने के बाद भी ये तानाशाह प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। एक छात्र को यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है कि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता है कि शासन चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, कहाँ से रोक लगी है, अगर सरकार द्वारा रोक लगी है तो लिख के दीजिए। एक शेर है कि बीतेगा ये दौर वो दौर भी आएगा, बीतेगा ये दौर वो दौर भी आएगा, संघर्ष के दौर के बाद एक नया दौर आएगा, चलते रहना रास्तों पर बिना डगमगाए, एक दिन जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक विश्वविद्यालय की तानाशाही खत्म नहीं हो जाती और छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक यहाँ एक भी छात्र हिलेगा नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अब ये छात्र संकल्प ले चुका है कि लड़ाई बड़ी है, संघर्ष बड़ा होगा। तो लगातार 5 दिन से छात्र बहाली को लेकर यहाँ पर छात्र एलयू के छात्र लगातार धरने पर हैं। लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कुछ मांगते हैं आप लोगों की, क्यों धरने में बैठे? दो लाइनें पहले क्या की बात कहूँगा कि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हम लोग अपनी छात्र संघ बहाली को लेकर बैठे हैं। आज हमारे धरने का 5वां दिन है और आपको बताना चाहेंगे कि 194 दिन से लगातार हम लोग विश्वविद्यालय में कैंपिंग कर रहे हैं। मांगे क्या है? छात्र संघ बहाल हो, हमारा अपना संगठन हो। यहाँ पर कर्मचारी का चुनाव होता है, लूटा का चुनाव होता है, शिक्षा संघ का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं होता है। अनेकों समस्याएं, अगर हमारा एक अपना एक नेतृत्व करता होगा, हमारा एक अपना संगठन होगा, तो बात अच्छे से रखी जाएगी। तो आप लोग कब तक ये जारी रखेंगे, कोई वहाँ से आश्वासन मिला? देखिए, जब तक प्रशासन हमको लिखित में नहीं दे देगा कि हम छात्र संघ कराने के लिए कराना चाहते हैं और छात्र संघ की तिथि नहीं बताएगा, ना लिखित रूप से, जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि 17 तारीख को पुलिस प्रशासन द्वारा हमें जबरन उठाने का प्रयास किया गया, हमारे कई साथियों को मारा गया, यहाँ तक कि हमें भी मारा गया, हाथों पर चोट आया गया, जबरन हमको पुलिस वैन में भरने का प्रयास किया गया। हमारे साथी हैं उनको तो बिल्कुल ढकेल दिया गया, अगर वो सही समय ब्रेक नहीं लगता तो आज उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन, आज 194वां दिन है और हमारा 5वां दिन है इस प्रकार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए। जब तक हम लोग प्रशासन हम लोगों को लिखित रूप में या अपने ये हम लोगों को नहीं बताएगा कि हमारे बस में नहीं है, हम लोग लिखित रूप में हमको दे दे कि हमारे बस में चुनाव कराना नहीं है, हम लोगों को लिखित रूप में चाहिए। कोई भी बात अब मौखिक रूप में नहीं होगी, सब कुछ लिखित में होगा। अगर उनके बस में नहीं है तो वो लिखित में दे दें, बस यही हमारी उनसे गुजारिश है। को लेकर के बार बार ज्ञापन देने के बाद भी ये तानाशाह प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। एक छात्र को यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है। विश्वविद्यालय के पास में ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बनाने के लिए पैसा है, लेकिन छात्रावास में सीलिंग गिर जाती है, छात्र का सर फूट जाता है, पैर टूट जाता है, उसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, सीलिंग बनवाने के लिए पैसा नहीं है। कभी इंटरनल में एबसेंट लग जाता है, कभी बैग लग जाती है, कभी छात्रावास की समस्या, कभी साफ पीने के लिए पानी ना उपलब्ध होना। इन सभी समस्याओं का केवल एकमात्र उपाय है, वो है छात्र संघ का बहाल होना। ये कैसा तानाशाह प्रशासन है और ये किस छात्र केंद्रित विश्वविद्यालय की बात करता है प्रशासन, जहाँ पर हम छात्रों की ही नहीं सुनी जाती, हम छात्रों से इस प्रकार का बर्ताव किया जाता जैसे हम छात्र नहीं बल्कि आतंकी हों, जैसे हम जा करके इनका केबिन फूंक देंगे, इस प्रकार का बर्ताव हमसे किया जाता है, हमारी सुनी तक नहीं जाती। और जब यूनिवर्सिटी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी अपना छात्र संघ चुनाव कराने के लिए ऑटोनॉमस है, तो आखिर समस्या कहाँ पे आ रही है? आखिर प्रशासन हमसे आकर के बात क्यों नहीं करता, लिखित रूप में क्यों नहीं देता कि आखिर ये कहाँ से रुका हुआ है और छात्र संघ कहाँ पे होगा? जब तक ये प्रशासन हमें लिखित रूप पे नहीं देगा, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। देखिए, जिस प्रकार संख्या की बात की, तो सबसे बड़ी मेन जड़ है हॉस्टल्स। हॉस्टल से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के लिए आप लोग बैठिए, जुड़िए हम लोग के साथ, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के प्रोवोस्ट, पुलिस प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, वहाँ पे मनमानी किया जा रहा है, उनको नोटिस के रूप में डराया जा रहा है, और हम लोग ने आम छात्रों से भी बीच में संवाद किया तो उन्हें भी दबाव डाला जा रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन से आपका नोटिस दे देंगे, मुकदमा डाल देंगे। लेकिन ये जो छात्र हैं, जो तादाद देख रहे हैं, 40 की संख्या आने वाले समय में हज़ारों की संख्या होने वाली है, और छात्र संघ बहाली जब तक नहीं हुई तब तक ऐसे ही एक नंबर गेट पर लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र डटे रहेंगे, चाहे जो भी मेन जड़ है, पूरी मेन जड़ की कैसे निजोड़ है। तो ये सारे छात्र जितने भी हैं, इनकी यही मांग है सरकार प्रशासन से कि जल्द से जल्द छात्र संघ बहाल किया जाए, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरी है छात्र संघ बहाल कर। आप कह रही थी, अभी बात कर रही थी, हम लोग भले ही 50 लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग उन 40,000 छात्र जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता है, उन सबका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। न सिर्फ 40,000 जो मेन कैंपस में पढ़ता है, बल्कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, हम सबके लिए बैठे हैं। दूसरी चीज़, हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, हमारे छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई है। जब यहाँ पे कर्मचारी संघ का चुनाव हो सकता है, टीचर संघ का, शिक्षक संघ का चुनाव हो सकता है, तो छात्र संघ क्यों नहीं हो सकता? बल्कि छात्र संघ तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये नेता जनरेट करता है। आज देश प्रदेश में जितने नेता देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कोई ऐसे
मुख्यमंत्री की कैबिनेट ऐसी नहीं आती होगी हर 5 साल में जो बदलती है कि 5-6 लोग मिनिस्टर जो बनते हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता ना रहे हों। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में 5 छात्र नेता यहीं जो थे और आज मंत्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लोग हम लोग लेके बैठे हैं। जब से छात्र संघ बंद हुआ है हमारे रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। हम लोग अपनी मांगों को अपने कब से बंद हुआ है 2006 से बहुत मुकदमे हुए, बहुत सारे चीज़ें मतलब काफ़ी प्रशासन द्वारा रोका गया, उसको लेके लोग हाईकोर्ट पहुँचे। हाईकोर्ट ने 2019 तक का स्टे लगा दिया था, 2019 में कोर्ट ने स्टे वापस ले लिया है। उसके बाद से तो चुनाव होना चाहिए था लेकिन उसके बाद से इन्होंने नहीं कराया। उन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग वापस से बैठे हैं और हम लोग अपने चुनाव होने की डिमांड कर रहे हैं और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हमारा चुनाव नहीं होगा। लगता है प्रशासन सुनेगा या इसी तरह आप लोगों को धरने पे बैठा रहना पड़ेगा और फिर इसको देखिए अभी जो प्रशासन का रवैया है, प्रशासन कड़वा तेल डाल के बैठा हुआ है कान में। प्रशासन को सबसे ज़्यादा डर है कि छात्र संघ चुनाव हो गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। छात्र संघ चुनाव होने से प्रशासन को सबसे बड़ा यही खौफ है कि छात्र अगर जो आगे आने लगेंगे अपनी मांग पूरी कर लेंगे तो इनका करप्शन क्या होगा, ये लोग जहाँ जहाँ पैसा मारते हैं वो क्या होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर छात्र संघ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक छात्र संघ नहीं होगा छात्रों का अधिकार नहीं मिल पाएगा। अभी प्रशासन से 4-5 दौर की बातचीत हो चुकी है। प्रशासन ने हर रवैया अपनाया, लोगों को टांगने का काम किया, जेल भरने का काम किया, लेकिन हम लोग डटे रहे, कोई कहीं नहीं हिला। हमारे कई साथियों को उसमें चोट भी आई लेकिन उसके बाद भी सब हिम्मत करके आज भी बैठे हुए हैं और हम लोग ये बैठे रहेंगे निरंतर। इसी तरह धरना जारी रहेगा? जी एकदम जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। ऐसे जी पहली बात ये कि विगत करीब 195 दिन हुए जा रहे हैं ये छात्र संघ बहाली मोर्चा का गठन हुआ, उसके बैनर तले कैंपेनिंग चली, तीन से चार बार ज्ञापन दिया जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है, के बारे में वार्ता भी हुई, सारी बातें हुई। माननीय कुलपति जी या विश्वविद्यालय प्रशासन या शासन कोई भी इसके पक्ष में निर्णय लेने को या इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2022 से छात्र संघ बहाली के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय हर जगह हम लोग गए, लोगों को जागरूक किया गया कि छात्र संघ चुनाव क्यों आवश्यक है, एक एक बातें उनको बताई गई। उसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया 12 नवंबर से युवा दिवस के अवसर पर। उसके बाद करीब हम लोग का 5,000 छात्रों का समर्थन है, हस्ताक्षर 3 बार माननीय देवी माँ की मूर्ति की आप लोगों ने तस्वीर भी रखी हुई है, इसका क्या मतलब है? भारत माता की शरण में रहते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे 16 तारीख से बैठे रहेंगे जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, कहाँ से रोक लगी है। अगर सरकार द्वारा रोक लगी है तो लिख के दीजिए कि सरकार ने रोक लगाई इसलिए नहीं करा रहे, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव बहाल कराने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश किया है। हाँ हमारे पास उसका प्रूफ है। इस दिन से लगातार 24 घंटे यहाँ छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, अपना घर परिवार छोड़ के अगर बैठे हैं तो इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ये विश्वविद्यालय की तानाशाही के खिलाफ और छात्र संघ बहाली मोर्चा के बैनर तले हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक विश्वविद्यालय की तानाशाही ख़त्म नहीं हो जाती और छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता तब तक यहाँ एक भी छात्र हिलेगा नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अब ये छात्र संकल्प ले चुका है कि लड़ाई बड़ी है, संघर्ष बड़ा होगा। ये दिन रात 24 घंटे बैठे निश्चित रूप से घर परिवार सब छोड़ दिया है, अब आर पार की लड़ाई है। अब यह जीत छात्रों की संघर्ष की होगी या विश्वविद्यालय की तानाशाही की होगी ये तो समय बताएगा आपको। ये जो पिछले पाँच दिनों से लगातार दिन रात बैठे हैं छात्र संघ बहाली के लिए, हम लोग बैठे हैं धरने पर और हम लोग इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि एक शेर है कि बीतेगा ये दौर वो दौर भी आएगा, बीतेगा ये दौर वो दौर भी आएगा, संघर्ष के दौर के बाद एक नया दौर आएगा, चलते रहना रास्तों पर बिना डगमगाए, एक दिन ज़माना तुम्हारे गीत गाएगा। हम लोग इस विश्वास के, इस दृढ़ विश्वास के साथ बैठे हैं, जिस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था पूरा देश उनके साथ बैठा था। आज यहाँ पर 50 लोग दिख रहे हैं, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा यहाँ पर 50 लोग के साथ 500 और 1000 की संख्या में होगी। और संख्या कम है स्टूडेंट्स की, संख्या कम नहीं है, धीरे धीरे शुरू के दिन धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग हमसे जुड़ते हैं, जिस तरीके से हम वो जान रहे हैं कि हमारा जो निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से हम लोग दिन रात बैठे हैं लगे हुए हैं छात्र संघ बहाली के लिए, उन्हें जो समझ में आ रहा है कि हमारे मुद्दों के लिए ही वो हम लोग बैठे हैं, अपना घर छोड़कर अपना बार छोड़कर रात भर यहाँ पर शीत में गर्मी में बैठे हैं,
उन्हें समझ में आ रहा है, जिस तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी समस्याओं के लिए लड़ा जा रहा है, वो लोग धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और एक विश्वास है एक दिन कि इस तानाशाह प्रशासन को, जो VC अपने AC से बाहर नहीं निकलना चाहता, AC कमरे में बैठता है, AC गाड़ी में रहता है, AC से बाहर नहीं निकलना चाहता, एक दिन जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा तो उस VC को भी अपना AC वाला कैबिन छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों के बीच में आना पड़ेगा, हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा और छात्र संघ बहाल कराना पड़ेगा। और जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाता हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, हमारा दृढ़ संकल्प है। जब तक के छात्र बहाली नहीं हो जाते इसी तरह ये लोग अनिश्चित रूप से बैठे रहेंगे और धरना देते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।